हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। टाइम एंड वर्क चैप्टर के इस वॉल्यूम 2 में आज हम कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में एसएससी सीजीएल में आए हुए कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद का जो वॉल्यूम 3 होगा उसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पर बेस्ड रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञान पार्टनर को ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को पूरे 4 दिन तक लगा रहता है, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और ले। तो अगर आप पहले वाले वॉल्यूम 1 आपने पूरे अच्छे से पढ़ लिया है, देख लिया है उसको, तो ये बहुत ही आसान आपको लगेगा। थोड़ा शॉर्ट में भी हम लोग चलेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ए प्लस बी कितने दिन लगता है, ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। बी अकेला, बी के बारे में बोल रहा है इसी कार्य को 12 दिन में करता है। अब हम लोग ये दोनों का एलसीएम निकाल के क्या करते थे कि काम निकाल लेते हैं। ये दोनों को जो एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 24 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये काम हो जाएगा हमारा। ये जो दोनों का एलसीएम आता है वो हमारा काम हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इन लोगों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं कि ये लोग एक दिन में कितना काम करता है, जिसको हम लोग क्षमता बोलते हैं। एक दिन का काम। अब एक दिन का काम हम लोग देख लेते हैं कि कितना करेगा ये लोग, ए प्लस बी टोटल काम है 24, ये 8 दिन में फिनिश कर देता है। तो एक दिन में कितना करता होगा, 3 काम करता होगा, तभी तो 8 दिन में 24 काम कर देगा। फिर बी के बारे में दिया हुआ है कि ये 12 दिन में कंप्लीट करता है, इसका मतलब एक दिन में 2 काम करता है, क्योंकि 12 दिन में फिनिश करता है, टोटल काम है 24, तो एक दिन में 2 काम करता है। अब ये दोनों से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि एक कितना काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है और दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, इसका मतलब ये एक काम करता होगा। ये दोनों से हमें पता चल जा रहा है ये कि दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, बी 2 काम करता है, तो ए जरूर एक काम करता होगा, तभी तो मिलकर 3 काम करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टोटल काम यही है 24, बी अकेला उस कार्य को पूरे 4 दिन तक लगा रहता है। अब बी अगर 4 दिन तक ये लगा रहेगा, 4 दिन तक अगर ये लगा रहेगा तो कितना काम करेगा, एक दिन में 2 काम करता है, 4 दिन में ये 8 काम तो कर देगा। अब बचा कितना काम, 24 काम था उसमें 8 काम हो गया, बचा 16 काम। अब बोल रहा है इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरे करने में कितने दिन लेगा। अब 16 काम इसमें से 8 काम जो था वो कर दिया बी, 4 दिन तक अकेले लगा रहा, बच गया 16 काम। अब 16 काम ए कितने दिन में करेगा, ये एक काम करता है एक दिन में, तो 16 काम बच गया, तो 16 दिन लेगा, तो कितना लग जाएगा, 16 दिन। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, ए इसके पश्चात ए अकेला से पूरे करने में कितने दिन और लेगा, तो ये 16 दिन और लेगा, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर ध्यान देना है कि कभी कभी पूछता है पूरे कार्य को करने में कितना दिन लगा, तो 16 दिन ये लगा, बी 4 दिन लिया था, तो 20 दिन आंसर होगा। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और लास्ट में एक बार देख लेना है कि पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 16 दिन। अगर पूछता कि पूरे कार्य को करने में कुल कितने दिन लगे, तो 16 दिन ये लिया था, 4 दिन ये, तो आंसर हो जाता 20 दिन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम लोग धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन को देखते जाएंगे, धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन हार्ड होते जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, तो इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य ए ने पूरा किया, सारा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। देखिए ए का जो है, ए कितने दिन में करता है, 15 दिन में क्वेश्चन में, और बी इसी काम को करता है 10 दिन में। अब हम इससे एलसीएम निकाल के क्या निकाल देते हैं, काम निकाल देते हैं। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हमारा काम हो जाएगा। अब हम इन लोगों का क्षमता निकालते हैं, मतलब क्या निकालते हैं, एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 काम टोटल है, 15 दिन में फिनिश कर दिया, तो एक कितना करता है एक दिन में, 2 काम करता है। बी कितना करता है, टोटल 30 काम है, 10 दिन में करता है, इसका मतलब 3 काम
भी 3 काम करता है। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। अब यहाँ पर देखिए दोनों ने मिलकर कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में, अभी हम एक दिन का निकाल रहे हैं सिर्फ, एक दिन में ये 2 काम करता है, ये 3 काम करता है, तो दोनों को अगर मिला देंगे तो कितना काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करता है। फिर बोल रहे दो दिन तक, दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, इसको अगर 2 दिन तक काम करवाएंगे दोनों को तो एक दिन में 3 काम करता है, तो कितना कर देगा 2 दिन में, 6 काम कर देगा, 6 काम कर देगा ना यहाँ पर, सॉरी ये 2 काम और ये 3 काम, यहाँ पे 5 काम हुआ ना, दोनों मिलकर 5 काम करेगा, और दोनों को अगर 2 दिन तक काम कर देंगे तो कितना करेगा यह 10 काम करेगा, क्योंकि ए 2 काम करता है, बी 3 काम करता है, दोनों मिलकर 5 काम करेगा, और 2 दिन तक लगा देंगे तो 10 काम कर देगा। अब यहाँ देखिए ये 30 काम था, 10 काम दोनों मिलकर कर दिया, तो बचा कितना इसमें, 20 काम बचा, शेष कार्य ए ने पूरा किया। अब ए जो है वो शेष कार्य के लिए कितना दिन लेगा, ये एक दिन में 2 काम करता है और बचा है 20 काम, तो ये कितना दिन लेगा, 20/2 बराबर 10 दिन। ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया तो ये 10 काम फिनिश कर दिया, टोटल काम था 30, उसमें से 10 काम कर दिया, बच गया कितना 20 काम, जिसको ए अकेला करता है। अब इस 20 काम को ए को अकेला करना है, तो ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम करने के लिए कितना लगेगा, 10 दिन लगेगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, क्या पूछ रहा है, सारा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो सारा कार्य जब अगर पूछ रहा है तो सारा कार्य 2 दिन तक दोनों मिलकर किया और 10 दिन तक यह अकेले किया, तो टोटल कितना हो गया, 12 दिन, ये हमारा आंसर हुआ। यही मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर सिर्फ ए के बारे में पूछेगा कि ए ने कितने दिन तक काम किया तो 10 दिन, और सारा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 दिन तक दोनों ने मिलकर किया और ए अकेला 10 दिन किया, तो टोटल कितने दिन लग गए, 12 दिन, यही हमारा आंसर हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, बन जाता है तो ठीक है, फिर उसको नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ के देख सकते हैं वीडियो को, या तो फिर नहीं बनता है, कहाँ कन्फ्यूजन होता है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, तो फिर आप देखेंगे उस क्वेश्चन को तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, इसको पॉज करके आप उसको बनाने का कोशिश कीजिए, बन जाता है तो सही बात है, आपको समझ में आ रहा है, या फिर आप कहाँ तक कोशिश किए हैं, आप कहाँ फंसते हैं, फिर उसको आप देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। आइए इसको देखते हैं। ए कितना लेता है, 4 घंटा, यहाँ देखिए सभी जगह दिन था, यहाँ पर घंटा में दिया हुआ है, वो चीज़ हमें ध्यान रखना है। फिर बी और सी मिलकर कितना लेता है, 3 घंटा, और ए और सी मिलकर बताया है कि ए और सी मिलकर कितना लेता है, 2 घंटा। लेकिन जो हमारा जो काम निकालने का जो प्रोसेस है वो वही है कि इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो 4, 3 और 2 इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, तो ये क्या हो जाएगा हमारा काम। अब हमें काम पता चल गया कि टोटल जो काम है वो 12 काम है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 1 घंटे का काम निकालते हैं, 1 घंटे का काम, वहां दिन रहता था तो 1 दिन का काम निकालते थे, यहाँ घंटा में दिया हुआ है तो 1 घंटे का काम निकालेंगे। अब देखिए 1 घंटे का काम निकालेंगे तो क्या होगा, ए टोटल काम है 12, ए 4 घंटा में करता है, तो 1 घंटा में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तभी तो 4 घंटे में पूरा फिनिश कर देगा। फिर दिया हुआ है बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना करेगा, 4 काम करेगा, 12/3 मतलब 4 काम करेगा, 4 × 3 = 12, 3 घंटे में फिनिश कर देगा। ए प्लस सी कितना करेगा, 1 घंटे में, ये 2 घंटा में कंप्लीट कर देता है, इसका मतलब ये 6 काम करता है। ये तो हो गया हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब पूछ रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, तो इससे आप खुद निकाल सकते हैं। पूछ रहा है कि बी अकेला, यहाँ ए अकेला दिया हुआ है, बी प्लस सी दिया हुआ है, ए प्लस सी दिया हुआ है। अब देखिए अगर ये दोनों को हम लोग देखते हैं, ये दोनों को मिला के देखते हैं, तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आता है,
ए अकेला 3 काम कर रहा है और ए और सी मिलकर 6 काम कर रहा है, तो इसका मतलब सी कितना काम करता है एक घंटे में? ध्यान दीजिए, ए 3 काम करता है और ए प्लस सी मिलकर 6 काम करता है, इसका मतलब सी भी 3 काम करता होगा, तभी तो 3 काम एक किया, 3 काम एक किया, दोनों मिलकर 6 काम किया। अब हमारा सी का निकल गया है, लेकिन पूछ रहा है कि बी यहाँ पूछ रहा है बी के बारे में पूछ रहा है, तो अभी देखिए इसको अब हम लोग लेते हैं, बी प्लस सी 4 काम कर रहा है और सी उसमें से 3 काम कर रहा है, तो फिर बी कितना करेगा, सी किया 3 काम और दोनों मिलकर 4 काम किया, तो बी जरूर 1 काम कर रहा होगा, तभी तो बी और सी मिलकर 4 काम करता है। तो ये बी का निकल गया हमारा कि एक घंटे में वो 1 काम करता है, तो टोटल काम है यहाँ पर 12। तो यहाँ जब हम घंटा निकालते हैं या दिन निकालते हैं तो क्या करते हैं, टोटल जो काम है और इसका जो एफिशिएंसी, एक घंटे का काम या एक दिन का काम, उससे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया, 12 घंटा, यही हमारा आंसर हो गया। बस सिंपल सा था, सिर्फ समझना है, और एग्जाम में अगर ये चीज़ आप समझ रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो ये मुश्किल से आधा 30 सेकंड लगेगा या 20 सेकंड में भी कर देंगे, तो आपका कैलकुलेशन सिर्फ फास्ट करना है, समझना कुछ भी नहीं है, बस आराम से कर लेंगे आप, इसलिए इसको बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? यहाँ पे कार्य क्षमता दिया हुआ है, कार्य क्षमता मतलब भाई एक दिन का जो काम होता है उसी को हम लोग कार्य क्षमता बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब ये 2 काम करता है, यदि ये 1 काम करता है तो इससे दुगना करता है, ए की जो कार्य क्षमता है बी से दुगनी है, मतलब ये अगर 1 काम कर रहा है तो ये कितना करेगा, 2 काम करता है, प्रश्न में ही बोल रहा है। अब अगर हम लोग दोनों मिला दें आगे, क्योंकि दोनों मिलाने की बात कर रहा है, दोनों मिलकर काम करता है, अगर ये 2 काम करता है बी 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर 3 काम करेगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं, 14 दिन में समाप्त करते हैं, ये लोग एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 14 दिन में समाप्त करता है, तो टोटल काम कितना होगा, 42 काम होगा, क्योंकि ये लोग दोनों मिलकर एक दिन में तो 3 काम कर देता है, अब 14 दिन में पूरा कर रहा है, इसका मतलब टोटल काम जो हमारा वो 42 है। फिर पूछ रहा है ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए तो एक दिन में 2 काम करता है, तो टोटल 42 काम है, तो कितने दिन में समाप्त करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, दिन निकालने के लिए जो टोटल काम है और ये जो है एक दिन में करता है 2, तो कितना निकल गया, 21 दिन, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं, बस सिर्फ समझना है कि पूछ दिया क्या हुआ है और पूछ क्या रहा है। आइए जो इससे नेक्स्ट में दोनों क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ेंगे, दोनों SSC CGL में आया हुआ है, तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कमल एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है जिसे देवाशीष 10 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे देवाशीष से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन SSC CGL टायर 1 में आया हुआ है, जो एग्जाम हुआ था 27 अप्रैल 2014 को। तो आइए देखते हैं इसको कैसे क्या करना है। यहाँ दिया हुआ है कमल, कमल नाम का एक लड़का है, ए भी रहता था, यहाँ नाम दे दिया, ये 12 दिन में करता है, और एक लड़का है देवाशीष, ये करता है 10 दिन में। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, LCM निकाल के क्या निकाल देंगे कि काम निकाल देंगे, दोनों का LCM निकालेंगे तो 60 आएगा, ये हमारा टोटल काम हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे कि एक दिन का क्या काम है, एक दिन का काम जैसा हम लोग निकालते आए हैं, एक दिन का काम निकालेंगे मतलब हम लोग क्या करेंगे, उसका क्षमता निकालेंगे। यहाँ देवाशीष से शुरू करता है, तो चलिए ऊपर में देवाशीष ही लिखते हैं कि देवाशीष, देवाशीष एक दिन में कितना करेगा, क्योंकि 10 दिन में पूरा कर देता है, टोटल काम है 60, तो ये एक दिन में जरूर 6 काम करता है। उसके बाद एक है कमल, कमल 12 दिन में समाप्त करता है, टोटल काम है 60, तो ये एक दिन में 5 काम करता होगा। अब बोल रहा है यदि वे देवाशीष से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, मतलब एक दिन ये काम किया फिर ये नहीं किया, ये किया एक दिन, ये किया एक दिन, ये किया फिर एक दिन, ये किया फिर एक दिन, ये किया, मतलब ऐसे अल्टरनेट करते जाते हैं, तो टोटल कार्य कितने दिन में पूरा होगा,
अब देखिए हम लोग एक एक दिन ही पहले जोड़ लेते हैं कि एक दिन ये किया एक दिन ये किया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दो दिन हो जाएगा। दो दिनों में टोटल ये लोग कितना काम करेगा, 11 काम करेगा, क्योंकि ये पहला दिन 6 काम कर देगा, अगला दिन ये 5 काम कर देगा, तो दो दिन में कितना हो जाएगा, 11 काम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, दो दिन में 11 काम, इसी को डबल करेंगे तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, 22 काम हो जाएगा। इसी तरह हम लोग देखिए टोटल काम है 60, तो 11, 11 दूनी 22, 11 तैंतीस, ऐसे करते जाएंगे तो कहाँ, 5 तक हम लोग जाएंगे। टोटल कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 5 तक जाएंगे, तो 5 तक में 11 कितना हो जाएगा, 55 काम। और इधर 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 10 दिन। 10 दिन में 55 काम फिनिश हो गया, क्योंकि 2 दिन में 11 काम, 4 दिन में 22 काम, 6 दिन में 33 काम, 8 दिन में 44 काम, तो 10 दिन में 55 काम। अब हम इसलिए यहाँ पर 12 नहीं लिखे कि 12 अगर हम लिखते हैं तो 11 55 11 66 66 काम हो जाएगा, जो 66 हमारा काम है ही नहीं, काम हमारा 60 के अंदर ही है, इसमें 11 कुछ चूँकि हम लोग जोड़ देंगे तो 66 हो जाएगा, तो 66 काम तो है नहीं। अब 10 दिन तक तो ठीक है, एक दिन ही दोनों किया, उसके बाद 11वां जो दिन है, 11वां दिन कौन काम करेगा, अभी दो दो दिन चल रहे हैं, मतलब देवाशीष कमल, तो 11वां दिन देवाशीष करेगा, तो ये कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, तो 55 काम था और ये 6 काम, फिर हो जा रहा है 61 काम, तो इसका मतलब टोटल हमें टोटल इसको दिन भर इसको काम करना ही नहीं है। अभी काम हमारे पास कितना बचा है, 5 काम बचा है, शेष काम जो हमारे पास बचा है वो कितना है, 60 - 55 बराबर कितना बचा हुआ है, 5 काम बचा हुआ है। अब 5 काम को ही देवाशीष को करना है, तो देवाशीष देखिए 6 काम जो है वो एक दिन में करता है, तो यहाँ 5 काम है, 5 काम कितने दिन में करेगा, हम लोग परसेंटेज चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ऐसा जब आ जाएगा क्वेश्चन मार्क तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जिधर दो टर्म है उधर ऊपर लिखते हैं, जिधर एक टर्म है वो नीचे लिखते हैं, तो कितना हो गया, 5/6 दिन, 5/6 दिन हो गया, मतलब 6 काम एक दिन में करता है तो 5 काम 5/6 दिन में करेगा। अब दोनों एक एक दिन करके किया था तो यहाँ तक हमारा आया था कि 10 दिन तक वो लोग काम किया था, एक दिन ये मिलकर 10 दिन तक काम किया था, और 11वां दिन पूरा नहीं लगा क्योंकि पूरा काम बचा हुआ नहीं था, कम काम बचा हुआ, तो 5/6 दिन लगा, तो कुल कितना दिन लग गया, कुल दिन जो लग गया हमारा ये 10 और 5/6, मतलब 10 पूर्णांक 5/6 दिन, ये हमारा आंसर हो गया। टोटल काम पूछ रहा है कि टोटल कितने दिन में लगा, तो 10 पूर्णांक 5/6 दिन लगा, ये हमारा आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी SSC CGL में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक कोई काम उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं, यदि ए और बी मिलकर उसे 10 दिन में कर सके और सी अकेला 50 दिन में, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। देखिए जो क्वेश्चन में दिया है वो लोग हम लोग क्या करते हैं उसको पहले लिख लेते हैं। ए जो काम है वो कितना करता है, बी प्लस सी के बराबर में करता है, ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे, या तो एग्जाम में मन में ध्यान में रखें या तो लिख के ध्यान में रखें। ए कोई काम उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं, मतलब बी और सी जितना काम करेगा उतना वो अकेला ए कर लेता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ए और बी मिलकर कितना दिन में करता है, 10 दिन में, ए और बी मिलकर उसे 10 दिन में कर सके, और सी अकेला उसको कितना दिन में करता है, 50 दिन में। अब टोटल काम हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल के कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 50 आएगा, तो टोटल जो काम आया कितना हो गया, 50 काम। अब हमारे पास काम मिल गया कि टोटल काम कितना है हमारे पास, 50 काम है। अब 50 काम है तो एक दिन का काम हम लोग निकालते हैं, क्षमता निकाल देते हैं, एक दिन का काम जो हम लोग निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, देखिए ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालते हैं। टोटल काम है 50, ये 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 5 काम। सी के बारे में क्या बोल रहा है कि टोटल काम है 50, ये 50 दिन लेता है, इसका मतलब एक दिन में कितना करता है, एक काम करता है। अब देखिए यहां पर हमें पूछ रहा है, बी अकेला
बी के बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ पर ए दिया हुआ नहीं है, ए दिया हुआ रहा तो इसमें माइनस कर देते तो बी के बारे में पता चलता है। सी के दिया हुआ है और ए और बी मिलके दिया हुआ है। अगर हम ये दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब कि अगर तीनों को काम में साथ में लगा देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर थोड़ा सा अपने से दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम करें क्या। कुछ नहीं मिल रहा है तो अपने से कुछ तो करना पड़ेगा। अगर तीनों को लगा देते हैं तो कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, क्योंकि ए और बी मिलकर 5 कर रहा था, साथ में सी को भी लगा दिए तो 5 और 1 6 काम होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है जो ए अकेला उतना ही काम करता है जितना बी और सी मिलकर करता है, मतलब ए बराबर क्या है, बी प्लस सी। तो ए के जगह हम लोग बी प्लस सी लिख देंगे और फिर ये बी प्लस सी हो जाएगा, मतलब 2 बार बी प्लस सी हो जाएगा। 2 बी प्लस सी मिलकर कितना काम हो जाएगा, 6 काम, क्योंकि इधर हम लोग कुछ डबल उबल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इधर ए के जगह में बी प्लस सी लिख दे रहे हैं। तो बी प्लस सी 2 बार बी प्लस सी हो गया, तो 2 बाहर निकल दिए, बी प्लस सी आ गया। तो बी प्लस सी अगर सिर्फ काम करेगा, मतलब 2 बी प्लस सी मतलब 2 दिन काम करेगा तो 6 काम करेगा, तो सिर्फ बी प्लस सी करेगा तो कितना, 6/2 मतलब 3 काम करेगा। अब देखिए ये हमारे पास कुछ मिलता जा रहा है, अब बी प्लस सी निकल गया कि बी प्लस सी मिलकर 3 काम करता है और सी अकेला 1 काम करता है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा। तो अब सिर्फ बी का काम अगर हम यहाँ पर निकालें, देखिए बी प्लस सी 3 काम कर रहा है और सी उसमें से 1 काम कर रहा है, तो बी का काम कितना हो गया, 2 काम हो गया, क्योंकि से 3 में से इसको 1 को माइनस कर दिया, क्योंकि 3 काम दोनों मिलकर कर रहा है, उसमें से 1 काम तो वो कर रहा है सी, तो बी कितना काम किया, 2 काम किया। अब देखिए आंसर यहाँ पे नहीं मारना है, हम बार बार पहले भी बताए पहले वॉल्यूम में कि ये आंसर हमारा नहीं आ गया बी का, बी 2 काम करेगा लेकिन टोटल काम हमारे पास कितना है, 50 काम है। तो दिन कितना लगेगा, वो पूछ रहा है बी अकेला उसको कितने दिन में करेगा, तो दिन निकालना है, तो टोटल काम जो 50 है और 1 दिन में ये 2 करता है, तो कितना हो गया, 25 दिन, यही हमारा आंसर हो गया। ये कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ समझना है और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखना है, उससे आगे बढ़ते जाना है, तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य को आरंभ करे तथा वे 1 दिन छोड़कर 1 दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में बना चुके हैं, तो आपको इसे खुद सॉल्व करना है और आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।